नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी हरियाणा। आज गुरुग्राम के नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी के अंदर जो खेलो इंडिया खेलो का एक प्रमोशनल इवेंट रखा गया है। हालांकि इस इवेंट को प्रमोट करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो खेल कूद की ओर जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना। ऐसे में चार सेशन इसके हो चुके हैं और ऐसे में एक सेशन गुरुग्राम में भी रखा गया है, जहाँ पर एक बार फिर से इस इवेंट को जो है प्रमोट किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ खेलों के खिलाड़ी और कोच हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दो सालों में कोविड काल रहा पूरे देश के अंदर, तो कहीं ना कहीं खेल से भी जो है बच्चे छात्र जो हैं, जहाँ परीक्षाओं से दूर हुए, शिक्षा से दूर हुए, वहीं खेलों से भी दूर हुए थे। तो ऐसे में अब कितना ज़रूरी हो गया है खेलों को प्रमोट करना, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर संदीप पुनिया है, हैंडबॉल कोच गुड़गांव से। जी संदीप जी, मेरे को ये बताइए कि कितना ज़रूरी हो गया है ऐसा प्रमोशन खेलों का करना, छात्रों के बीच में, बच्चों के बीच में, परिवारों के बीच में। जैसे आपको पता है पिछले दो साल में कोविड रहा है, जो बच्चे पढ़ाई के कारण, क्या नाम, घर पे रहने के कारण स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग ले नहीं पाए हो। अभी जो आने वाला टाइम है खेलो इंडिया, जैसे कि आपको सबको पता है कि पंचकुला में होने वाला है, इसमें 8,000 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उसमें क्या कि हरियाणा जो है अपना होस्ट कर रहा है, और जो बच्चे घर पे रहे हैं उनको एक बाहर निकलने का मौका मिलेगा और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग ले पाएंगे वो। जो ये इवेंट होने वाला है, इस इवेंट में किस किस तरीके की खेल प्रतियोगिताएं देखने को मिलेगी? हालांकि आप कोच एक खेल से संबंधित हैं, मगर फिर भी जानकारी आपको इस बात की जरूर होगी कि क्या कुछ वहाँ होने वाला है। इसमें सभी नेशनल लेवल के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें मैक्सिमम सभी जैसे सभी गेम्स हैं, सभी गेम्स के बच्चे इसमें अपना पूरे ऑल इंडिया से बच्चे आएंगे और इसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो आपके कितने स्टूडेंट यहाँ पहुँचे हैं आज? हमारे जैसे कि अलग अलग गेम से बच्चे आए हुए हैं, हर प्रत्येक गेम से 20-20 बच्चे आए हुए हैं गुड़गांव से। बाकी जैसे कि पलवल से आए हुए हैं, मेवात से आए हुए हैं, चक्की दादरी से आए हुए हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट बच्चे को आए हुए हैं। जी धन्यवाद जी। आप अपना नाम बताइए। हाँ, ऋषिरूप मेरा नाम है, मैं हैंडबॉल कोच पलवल हूँ। और ये जो खेलो इंडिया का आगाज किया गया, इसकी ये प्री प्रमोशनल ओपनिंग सेरेमनी है। ये एक इंटरनेशनल तर्ज पर जो ना ये सारा प्रोग्राम चल रहा है, और इस प्रकार के प्रोग्राम में एक एडवर्टाइजमेंट होता है स्पोर्ट्समैन के लिए, मोटिवेशनल होता है स्पोर्ट्समैन के लिए कि हमें क्या अचीव करना है। एक इंटरनेशनल लेवल पर हर टूर्नामेंट करवाया जाएगा, हर मैच इंटरनेशनल तर्ज पे होंगे। और ये एक हमारे मुख्यमंत्री माननीय संदीप सिंह जो इस सोच के हैं कि हम हरियाणा को कैसे आगे लेके जाएंगे, वैसे भी हरियाणा खेलों में नंबर एक है और इसको और आगे हम बढ़ा रहे हैं, ये एक अच्छी सोच है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी आज शिरकत करेंगे और उनके द्वारा यहाँ पर जो नो ओपनिंग सेरेमनी की जा रही है। मैं आपसे भी अपना नाम बताइए। विकास कुमार। कौन सा खेल खेलते हैं आप? हैंडबॉल। तो जिस तरीके से दो साल के बाद एक बार फिर से जो है खेलों की तरफ जो है रुझान जो है दिखने को मिल रहा है, सरकार का भी और समाज का भी, तो कितना अच्छा मानते हैं कि इस तरीके से प्रमोशन जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है? बहुत अच्छा मानते हैं सर, क्योंकि इस तरह का खेल मिलेगा तो आगे भी बढ़ावा मिलेगा खेल को, हम और अच्छा खेल के दिखाएंगे। ठीक है, तो ये लोग, ये खिलाड़ी थे और कुछ कोच थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से जो है जो खेलों को प्रमोट करने के लिए इस तरीके के इवेंट किए जा रहे हैं। मैं एक बार फिर तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि इस तरीके से पूरा सेटअप किया गया है कि यहाँ पर कुछ ही देर के अंदर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो भी यहाँ मौजूद होंगे और वो यहाँ से जो है संबोधन करेंगे छात्रों का, स्टूडेंट्स का और जो खिलाड़ी हैं उनका भी। एक बार फिर तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं और इन सभी को जो है आज इन सभी के सामने एक बार फिर से जो है खेलो इंडिया का प्रमोशनल इवेंट जो है किया जाएगा, जिससे कि सीधे तौर पर इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा कि जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो माँ बाप हैं, वो इसकी तरफ जो है आकर्षित हो सकें और एक बार फिर जो है खेलों की तरफ जो है रुझान जो है लोगों का हो सके। इस खबर से संबंधित और भी जानकारी जो है कुछ समय के बाद हमारे द्वारा आपको दी जाएगी। फिलहाल इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।